राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी घटना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी ये खतरे के निशान से काफी ऊपर है। आज सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के मोरी गेट में लगे रिलीफ कैंप का दौरा किया, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मिलकर काम कर पार्टीबाजी ना करे। दिल्ली में छह दिन पहले शुरू हुए यमुना के तांडव ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। दिल्ली के कई इलाके दरिया में तब्दील हो गए हैं, बाइक से लेकर कार तक ऐसी डूबी हैं, मानो कोई बाढ़ प्रभावित इलाका हो। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोरी गेट रिलीफ कैंप का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। छह जिले प्रभावित हैं दिल्ली के अंदर, इन छह जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। वहीं दिल्ली के राज्यपाल वीरेंद्र सक्सेना राजघाट पहुँचे और अधिकारियों के साथ इलाके का जायजा लिया। दिल्ली वालों को यमुना के गुस्से का शिकार होना पड़ा है और सालों बाद यमुना का पानी दिल्ली के इलाकों को बहा ले जाने के लिए तैयार दिख रहा है। राजघाट हो या फिर लाल किला, पिछले छह दिनों से बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरे इलाका जो है जलमग्न हो गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। इन तस्वीरों को देखिए, ये राजघाट की हैं, जहां आज भी पानी भरा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, गेट से लेकर समाधि तक सब जलमग्न है। मयूर बिहार का ये वीडियो देखिए, आपको एक पल के लिए लगेगा कि ये हरिद्वार है। सड़क तो आपको नजर ही नहीं आएगी, पेड़ से लेकर घर सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब गया है। आईटीयू में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, सड़कों में आवाजाही को लेकर परेशानी हो रही है। छह दिन बाद भी लाल किले के इलाके में पानी जमा हुआ है। दिल्ली वालों पर संकट टला नहीं है, पिछले पांच दिन से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज यमुना उफान पर है और पूरी दिल्ली को अपने गिरफ्त में लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट तो रहा है, लेकिन संकट के बादल अभी टले नहीं हैं, क्योंकि शनिवार को हुई बारिश ने थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। लाल किला इलाके में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लाल किले से पीछे से जाने वाला रास्ता है जो कि अंडरपास से होते हुए ISBT की तरफ जाता है। यहाँ पर पानी के अंदर पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न हैं और यातायात के लिए इस रास्ते को बंद किया गया है। पिछले कई दिनों से ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। वहीं निगम बोध घाट इलाके में भी अभी जल भराव है, सड़कें यहाँ दरिया में तब्दील हो गई हैं। यमुना नदी से आया सैलाब हर ओर दिखाई दे रहा है। कुछ पंप लगाकर जो है पानी को कम किया गया है, लेकिन पानी का लेवल अभी भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के टायर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। शाम भारी बारिश के बाद प्रगति मैदान इलाके में भी पानी भर गया। बारिश से यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है, जो कई दिनों से खतरे के निशान 206.8 मीटर से ऊपर बह रही है। फ्रांस और UAE के दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ को लेकर दिल्ली के LG से बात की। उन्होंने बाढ़ के हालात और उससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर जानकारी ली। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से अभी भी हाल बेहाल है। दिल्ली के इस हालात पर अब खुद PM एक्शन में है। UAE से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उपराज्यपाल VK सक्सेना से बात की और बाढ़ के हालात की जानकारी ली, साथ ही बाढ़ के हालात पर लगाम लगाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पहुंचते ही फोन किया, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा लिया, हालात कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी ली। PM ने फिर से केंद्र के सहयोग के साथ दिल्ली वासियों के हित में हर संभव काम करने का निर्देश दिया। इससे पहले PM मोदी ने फ्रांस से भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की थी और दिल्ली को इस मुसीबत से निकालने के लिए हो रहे उपायों को लेकर चर्चा की थी।
आईटीओ बैराज में बंद गेट खोलने के लिए इंडियन नेवी की 15 सदस्यीय गोताखोर की टीम यमुना पहुंची। इस ऑपरेशन में नेवी को क्यों लगाया गया है, इस पर हमारे संवाददाता मनीष ने कैप्टन कादियान से खास बातचीत की। हम इस वक्त आईटीओ पर हैं और यहाँ पर यमुना पे जो बैरेज बनाया गया है उसको खोलने की कोशिश हो रही है। देखा जाए तो आप इसे गेट भी कह सकते हैं, 32 ये गेट्स हैं जिसमें से 5 गेट को खोला जाना है, क्योंकि ये गेट खोलने काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पानी यमुना का काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है। लेकिन जब इसको खोलने की कोशिश की गई तो ये गेट्स ओपन नहीं हो रहे थे। एक गेट तो ओपन हो गया था लेकिन दूसरा गेट और उसके बाद भी जितने गेट हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे थे, और उसकी वजह से इंडियन नेवी की मदद ली जा रही है, इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है। अगर आप देखें तो इंडियन नेवी की खास टीम मुंबई से एयरलिफ्ट करके यहां पर लाई गई है, जो अपने साथ खास तरीके के इक्विपमेंट्स भी लेकर के आए हैं। यहां पर कई जो सीनियर आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, नेवी के ऑफिशियल्स हैं, वो आपको यहां पर दिखेंगे और लगातार जो स्थिति है उसका यहां पर मूल्यांकन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि अभी क्या सिचुएशन है, कितना और टाइम लगेगा और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि अब किस तरीके से ऑपरेशन को आगे चलाना है। तो बहुत ज़रूरी है यमुना के जो बैरेज पे गेट बने हैं इसको जल्द से जल्द खोला जाए। और आधे हिंदुस्तान के ऊपर से बाढ़ और बारिश का खतरा फिलहाल टलने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। मॉनसून की बारिश ने कुछ इलाकों में तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी से लेकर हरिद्वार तक लोगों को घरों से बाहर निकलने को लेकर चेतावनी जारी की है। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश के कारण बलुआ कोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढह गई है, जिस कारण आवाजाही बंद हो गई है। भारी बरसात के चलते कुमाऊं मंडल में 50 से अधिक ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिनको लगातार खोलने का प्रयास जारी है। कमिश्नर ने मौसम के रेड अलर्ट को देखते हुए सभी नदी नालों और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक कुमाऊं मंडल में 5 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीण सड़कें हैं जो वो उनकी संख्या 50 से ऊपर है। बाकी कल नेशनल हाईवे हमारा जो क्वारब के पास बंद हुआ था उसको कल खोल दिया गया था, लेकिन क्योंकि लगातार चट्टान वहाँ पे आ रही है और पत्थर गिर रहे थे इसलिए एहतियातन रात के वक्त उस पर रोका गया था आवाजाही को। वहीं लैंडस्लाइड और बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग 3 जगहों पर बंद कर दिया है और हाईवे की मरम्मत का काम जारी है। मथुरा में बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नाव और स्टीमर के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी के मथुरा और वृंदावन में यमुना अपना रौद्र रूप धारण करती जा रही है। निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी थी, जिसके बावजूद लोग घरों को छोड़कर नहीं निकले और अब हजारों लोग बाढ़ के पानी में घिर गए, जिन्हें अब नाव और स्टीमर से निकाला जा रहा है। सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार राखी शर्मा के नेतृत्व में गोताखोरों की टीम के साथ मौके पर पहुंची और 2 महिलाओं को 2 बच्चों के साथ रेस्क्यू किया। कितने लोग थे आप लोग? मैं और मेरा बच्चा। अभी तक पानी नहीं भरा था आश्रम पे, आश्रम थोड़ा ऊंचा है, लेकिन आज थोड़ा पानी आ गया। फिर हमने अपने डॉक्टर को फोन किया, वो लोगों ने कहा उनके पास तो आपको। राखी शर्मा ने बताया कि दोनों महिलाएं और बच्चे बाढ़ के पानी से घिरे हुए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। 18 जुलाई को विपक्षी गठबंधन की बेंगलुरु में बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 18 जुलाई को ही एनडीए गठबंधन की भी बैठक है। ये साफ है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में सभी सियासी पार्टियां पीछे नहीं दिखना चाहती हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विपक्ष एक बार फिर से पीडीए गठबंधन के बैनर के तले इकट्ठा हो रहा है। इसके लिए एक राउंड बैठक पटना में पहले भी हो चुकी है और अब 18 जुलाई को विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर बीजेपी विरोधी रणनीति तय करने वाले हैं। देश में होने वाले इन सबसे बड़े चुनावों में बस 7-8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी पार्टियां माहौल को भांपकर गठबंधन बनाने में जुटे हुए हैं। बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग से पहले आज शाम आम आदमी पार्टी ने पीएसी की अहम बैठक बुलाई है। इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं।
वहीं 18 जुलाई को ही एनडीए गठबंधन की भी बैठक हो रही है। एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के शामिल होने के बाद यूपी में ताकत बढ़ी है। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, लिहाजा एनडीए गठबंधन हिंदी भाषी राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और बीजेपी ने आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। दोनों दलों के मिलने से पूरे प्रदेश में एक और बड़ी ताकत पैदा होगी। हम कहा जाए कि यूपी सरकार में मंत्री के तौर पर भी आप रहेंगे, आइए वहीं सब बताते हैं। गठबंधन की सीटों पे तो लेकर बातचीत नहीं, अभी 18 तारीख को एनडीए में शामिल होने की घोषणा हो जाएगी। अभी तो माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पुष्ट होगा ना कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आज पूरी दुनिया भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान पेरिस में बॉलीवुड सॉन्ग जय हो की गूंज सुनाई थी। भारत और भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डिनर दिया और इस दौरान बॉलीवुड के गानों की गूंज रही। इस डिनर का आयोजन 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे पर पेरिस के लोअर म्यूजियम में किया गया था। इस दौरान हॉल में मौजूद बैंड ने हिंदी गाने भी बजाए। डिनर के दौरान बैंड ने दो बार जय हो गाना बजाया, जिसके धुन को मैक्रो एंजॉय करते दिखे। टेबल पर उनके बगल में पीएम मोदी को बैठे देखा जा सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैक्रो चुटकियां बजाते हुए गाने की धुन का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी बेहद गौर से बैंड की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं अभी तक की सबसे पावरफुल सेल्फी। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद फोन लेकर पीएम मोदी और अभिनेता आर माधवन के साथ सेल्फी ले रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, इस डिनर का आयोजन फ्रांस में लूवर म्यूजियम में किया गया था, जिसमें कुछ खास लोग भी शामिल हुए। ये डिनर दोनों देशों के प्रमुख की मुलाकात का एक जरिया था। हालांकि ये शाम तब और यादगार हो गई जब बॉलीवुड एक्टर आर माधवन भी इसका हिस्सा बने। तस्वीर जरा देखिए, इमैनुअल मैक्रों हैं और उनके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में अभिनेता आर माधवन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद सेल्फी ले रहे हैं। ये वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के दौरान जब वहां पहुंचे और इस तरह से उन्होंने डिनर में वो शामिल हुए पेरिस में, ये पावरफुल सेल्फी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में अभिनेता आर माधवन भी नजर आ रहे हैं और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां डीजे कांवड़ हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में कई कांवड़ियों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मेरठ में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। हादसे में कई कांवड़िये घायल भी हुए हैं, जिनका मेरठ के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसा थाना भावनपुर के राली चौहान इलाके में हुआ। हरिद्वार से जल लेकर डीजे कांवड़ जैसे ही इस इलाके में पहुंचा और डीजे कांवड़ हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे डीजे कांवड़ में मौजूद कांवड़िये करंट लगने से झुलस गए। डीजे एक बिजली के तार से टच होने के कारण उसमें करंट आ गया, जिससे 12 लोग घायल हुए, जिसमें अस्पताल में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 6 लोगों का इलाज चल रहा है और जो घायल हैं उनको भी इलाज कराया जा रहा है।
पुलिस प्रशासन पूरी घायलों के उपचार के लिए पूरी मदद कर रहा है और इनकी जो तात्कालिक आर्थिक सहायता है उसके लिए भी उचित आश्वासन दिया गया है। हादसे से आक्रोशित कांवड़ियों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। Zee News.